हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं GFX टूल का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है उन सभी के बारे में। तो उससे पहले मैं बोलूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो GFX टूल यूज़ करते हैं। और वीडियो मैं जल्दी ला रहा हूँ। पहले तो मैं बहुत प्रॉब्लम हूँ भाई लोग, क्योंकि यार इधर का जो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक बेकार है। इधर नेटवर्क यार, मतलब पिंग इतना हाई होता है, आप इस क्लिप में देख लेना, जो छोटा वाला क्लिप आपको देख रहे हो उसमें आप देखना, काफ़ी जगहों पर मेरा पिंग हाई हो जाता है। तो उसको आपको इग्नोर करना, और काफ़ी यार स्वेटिंग हो रहा थी हाथ में, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। यार सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा मोड़ा सपोर्ट दिखाओ आप लोग। तो बता रहा हूँ मैं, इसमें जो होता है ना, कुछ लोगों को पता होता है भाई, एडवांटेजेस तो पता होते होंगे कि यार 60 FPS, 65, तो ये सब वो सब, तो वो लोग तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं वो आपको जानना बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानोगे तो आपका डिवाइस यहाँ तक गर्म और काफ़ी मतलब ख़राब हो सकता है। मैं पहले यूज़ करता था ना, मुझे पता है क्या क्या होता था मेरे साथ। पहले मैं 2 GB रैम में फ़ोन में खेलता था, फिर 4 GB पे आया रेडमी नोट 5 प्रो, उसके बाद फिर अब मैंने Realme C3 लिया है, तब इसी में मैं खेलता हूँ बिना जायरो के। पहले मैं जायरो भी खेलता था। तो पहले यार ये सेटिंग वेटिंग चेंज कर लूँ। तो यार चलो बताता हूँ मैं आपको एडवांटेजेस के बारे में। तो यार पॉइंट नंबर 1 जो है वो होता है कि आप मैक्सिमम FPS पा सकते हो एडवांटेजेस में। हाँ ठीक है, ये एडवांटेज है, आप मैक्सिमम FPS पा सकते हो, 60 FPS, 90 FPS, 120 FPS, क्योंकि यार अभी ये दोनों आया नहीं है, 90 और 120 नहीं आया है, तो इसलिए आप वो भी पा सकते हो, आपको वो भी मिल जाएगा। लेकिन जब ये PUBG ग्लोबल में आ जाएगा तो आपको मिल पाएगा अपडेट के साथ, वो GFX टूल वाले दे देंगे। और आता है पॉइंट नंबर 2 पे एडवांटेजेस के। तो एडवांटेज नंबर 2 है आपका कि आप इसमें HDR पे 60 FPS तक खेल सकते हो। ठीक है, HDR पे आप 60 FPS तक खेल सकते हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बंदा होगा जो लो एंड डिवाइस में HDR पर 60 FPS पर खेलता होगा। लेकिन ये एडवांटेज है, आप 60 FPS गेन कर सकते हो HDR पर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 है जो वो आप कॉम्पीट कर सकते हो भाई, मतलब हाई एंड डिवाइस और मिड एंड डिवाइस से आप कॉम्पीट कर सकते हो। अगर आपसे कोई बोलता कि मेरे साथ खेलेगा ये वो 1v1, तो आप मतलब उससे डरना मत, हम बोल देना हाँ मैं खेलूँगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका जो FPS रहता है, आपका FPS बहुत स्टेबल हो जाता है ये GFX टूल की वजह से। आपको जब हाई FPS मिलता है तो जो आपका डिफ़ॉल्ट FPS रहता है, मान लो मेरा 40 FPS है डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट से मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऊपर ही जाएगा। सो आप कम मारोगे और बंदे को ज़्यादा मारोगे। सो गाइस अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेज नंबर 1 जो है, आपका मोबाइल बहुत ही हीट होने लगेगा। ठीक है, आपका मोबाइल डिवाइस जो है काफ़ी ज़्यादा ही हीट होगा, क्योंकि आप GFX टूल यूज़ कर रहे हो। मैं भी जब से GFX टूल यूज़ कर रहा हूँ, अब बहुत कम मैं यूज़ करता हूँ, कभी कभी यूज़ करता हूँ, जब ज़्यादा ही मन मरने लगता हूँ तो GFX टूल मैं यूज़ करने लगता हूँ। ठीक है, तो GFX टूल जो होता है ना, वो आपके CPU GPU को बूस्ट करता है, मतलब उसको ज़बरदस्ती पावर देने के लिए फोर्स करता है, जिससे आपका डिवाइस हीट होने लगता है। ठीक है, तो उससे आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, डिसएडवांटेज है। और आते हैं डिसएडवांटेज नंबर 2 पे। तो जो डिसएडवांटेज नंबर 2 है उस पर क्या है, आपका जब डिवाइस हीट होगा तो आपका गेम लैग करेगा। ठीक है, गेम लैग करेगा तो आप जल्दी मर जाओगे, इधर उधर कहीं आप जाते देखो कि रेंडे जा रहे होगा आपका, कहीं भी अगर गाड़ी उड़ी आ गई तो आपका दिक्कत भी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, काफ़ी हद तक ये PUBG को इम्प्रूव करना चाहिए यार। पहले देखा रहते थे आप लोग, थोड़ा भी लैग नहीं होता था। मैं पहले एकदम शुरू में PUBG जब मैंने डाउनलोड किया था, तो मैं Season 1 में मैंने 20 से 25 मैच खेला, लेकिन लैग नहीं होता था 2 GB रैम के डिवाइस में। लेकिन अब के टाइम देखो भाई, बहुत ही लैग होता है। लेकिन अब के बाद अब तक तो काफ़ी हद तक चेंज भी कर दिया है PUBG वालों ने, तो थैंक्स भी बोलना चाहूँगा। लेकिन
भाई कुछ ये लैग वैग तो फिक्स करो। सो अब डिसएडवांटेज नंबर 3 पे आते हैं। अगर आप GeForce टूल यूज़ करते हो तो आपका बैटरी जो है काफ़ी तेज़ी से कम होते रहेगा, क्योंकि ना क्या कहते हैं, आप कुछ डिवाइस होगा जो आप देखे होगे एक्सट्रीम पर आप खेलते होगे तो वो जल्दी जल्दी वो क्या कहते हैं, अब बैटरी जल्दी ड्रेन करता है और जल्दी बैटरी ड्रेन करेगा मतलब हीट होता है। देखो पहला बात तो डिवाइस हीट होता है तो लैग होता है, और ज़्यादा अगर बूस्ट मिलेगा CPU को GPU को अगर फोर्स किया जाएगा उसको GeForce टूल से तो आपका बैटरी भी बहुत तेज़ खींचेगा। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेज नंबर 4 पे। सो जो गाइस डिसएडवांटेज नंबर 4 है वो काफ़ी कम लोगों के साथ होता है, मुझे तो लगता है बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। इससे क्या होता है, GeForce टूल यूज़ करने से कई लोग को बैन भी लग जाता है क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप है, और लेकिन मैं तो नहीं बैन हुआ हूँ, काफ़ी लोग हुए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में तो आया काफ़ी लोग बैन भी हुए हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने GeForce टूल यूज़र्स दोस्तों के साथ शेयर करना। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बन चुकी है, मोंटाज जल्दी आएगा, ज़रूर देखना उसको।